सो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है या स्लो स्पीड चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, आप कोई भी सिम लगा रखे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके फ़ोन में APN सेटिंग नहीं है, APN सेट नहीं है, तो आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत स्लो चलेगा 2G की स्पीड से। तो गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप ये दो ट्रिक अगर आप फॉलो कर लोगे तो रॉकेट से भी तेज हाई स्पीड नेट चलेगा, ये 100% मेरी गारंटी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक नया APN सेटिंग आया है जो कि बहुत धमाल मचा रखा है। इस समय बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, इस सेटिंग को, और इस सेटिंग को यूज़ करने के बाद बहुत ही फास्ट नेट चल रहा है। तो गाइज, हम आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल सर नॉलेज में। तो गाइज, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलते हैं हम गाइज अपने वीडियो की तरफ। तो हम जाएंगे गाइज अपने सेटिंग में, उसके बाद हम सिंपली सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में क्लिक करेंगे, उसके बाद सिम वन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सिर्फ दो ही सेटिंग बताऊंगा, दो सेटिंग से आपका इंटरनेट बहुत ही स्पीड से चलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्सेस पॉइंट नेम APN, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए, मैं भी यही चला रहा हूँ। उसके बाद गाइज, ये प्लस वाले कॉर्नर पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे। उसके बाद यहाँ नेम में आपको 5G। गाइज, एक बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो लेटर होना चाहिए वो स्मॉल लेटर में नहीं करना है। उसके बाद NEXA BOT। उसके बाद APN में आपको क्या करना है, APN में आपको 5G स्पेस BOT। उसके बाद दोस्तों, प्रॉक्सी को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, पोर्ट को भी छोड़ देना है, और यूज़र नेम में गाइज आपको याद रखना है कि आपका कोई भी सिम हो, चाहे वो एयरटेल हो, वोडा हो, आइडिया हो, टाटा डोकोमो हो, जो भी हो, आप वही देंगे। तो मेरा जियो का सिम है तो मैं जियो टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड में आपको पासवर्ड नहीं देना है, क्योंकि यदि आप पासवर्ड दोगे तो पासवर्ड कभी भी आप भूल जाओगे तो आपका जो है इंटरनेट ब्लॉक हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो गाइज, हम सर्वर में www.google.com। उसके बाद आपको MMSC को भी छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी को छोड़ देना है, MMS पोर्ट को भी छोड़ देना है, MCC को छोड़ देना है, MNC को छोड़ देना है। फिर आपका ये जो आ गया ऑथेंटिकेशन टाइप, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है PAP और CHAP, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर APN टाइप को भी छोड़ देना है, APN प्रोटोकॉल में आपको IPv4/IPv6 इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो बैरियर का, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे बैरियर। इसके बाद अनस्पेसिफाइड 3 आपको सेलेक्ट करना है, LTE और HSPAP, सिंपली 3 करके बाद उसके बाद बैक जाना है आपको, और उसके बाद आपका न्यू APN सेट हो चुका है। आपको ओके पर यहाँ सबसे ऊपर में आपको सही का निशान दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका सेट हो चुका है। उसके बाद आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप अपना फ़ोन एक बार रूबूट करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक सेटिंग और बता रहा हूँ,
आपको सिंपली बैक जाना है और अपने डायल पैड को ओपन करना है। गाइज डायल पैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है स्टार हच उसके बाद 4636 हच स्टार उसके बाद ये देखिए गाइज ये आपके फ़ोन इन्फॉर्मेशन सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप एक नंबर आप यदि आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो फ़ोन से भी कर बट फ़ोन से नहीं कीजिए, ये फ़ोन वन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ये देखिए आपका एमआई नंबर फ़ोन नंबर सारा कुछ डिटेल्स आपका दिखा रहा है। उसके बाद गाइज हम सबसे नीचे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है रिफ्रेश का, यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए एसएमएससी नंबर जो जनरेट हो चुका है सिंपली इसे अपडेट कर देंगे। गाइज इसको अपडेट करने के बाद सिंपली हम बैक जाएंगे। उसके बाद गाइज आपका नेट रॉकेट से भी तेज़ चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सेटिंग करने में, आपको VPN सेटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।